Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at your home. Today's topic is chapter number 9, measurement. क्या है आज? आज हम new chapter start करने वाले, which is measurement. Do you know, children, why we need measurement? हमें measurement की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमें कोई भी चीज को measure करनी हो, तब हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट. लेकिन मेजरमेंट्स के क्या है? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स से. मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइज समथिंग अमाउंट विच वी नीड टू मेजर. जैसे कि अगर हमें कुछ फूड को मेजर करना हो, जैसे राइस, सुगर, वीट, तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम में. जब हमें कोई लिक्विड की कैपेसिटी मेजर करनी हो, तब हमें किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर एंड लीटर. जब हमें कोई चीज की लेंथ फाइंड करनी हो, तब हम किस चीज का यूज करते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर. जब हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना हो एक सिटी से दूसरे सिटी से, लाइक मुझे यहाँ से सूरत टू अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो हम किस यूनिट का यूज करेंगे? मीटर एंड किलोमीटर. सो इन मेजरमेंट बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है टू डिफरेंट डिफरेंट मेजर टू थिंग्स. मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वार्म अप एक्टिविटी हियर. ओके, सो वार्म अप क्वेश्चन नंबर 1. अरेंज दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ. द स्मॉलेस्ट वन इज मार्क 1. क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिए हैं. हमें क्या करना है? उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करना है, अरेंज करना है. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है वो क्या आएगा? फर्स्ट. तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? पेंसिल. तो मार्क हियर 1, आपको ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ. अभी पेंसिल के बाद बड़ा कौन है? ये है स्लीपर्स, तो राइट हियर 2. उसके बाद बड़ा कौन है? कुकर, प्रेशर कुकर. और सबसे बड़ा कौन है? ट्री. सो हमने किस हिसाब से उनको अरेंज किया? उनके लेंथ के अकॉर्डिंग. जिसकी सबसे छोटी लेंथ वो क्या आएगा? फर्स्ट. उसके बाद देखो ये लेंथ मेजर कर रहे, ठीक है, ये एरो क्या मेजर कर रहे? उनकी लेंथ. ये क्या मेजर कर रहे? लेंथ. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ बी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ ईच ऑफ दिस. मास का मतलब होता वेट. कितना वेट होगा अप्रोक्सीमेट? आपको अपना ब्रेन यूज करके आपको क्या करना? उनका वेट अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है. और जो आपको करेक्ट लगे उसके ऊपर क्या करना है? आपको सर्कल करना है. ठीक है, तो शार्पनर का वेट क्या हो सकता है? यूज 5 ग्राम या 5 किलोग्राम. 5 किलोग्राम बहुत बड़ा हैवी हो जाएगा. शार्पनर इतना हैवी नहीं होता, वो किसके जैसा होता है? इरेजर जैसा. तो वो तो एकदम लाइट वेट होता है. तो क्या आएगा? 5 ग्राम. वेरी गुड. नाउ एप्पल. एप्पल इज अ 100 मेगाग्राम और 100 ग्राम किसमें होगा? 100 मेगाग्राम इज बहुत लाइट वेट, वो हमें फील भी नहीं होगा. लेकिन जब हम एप्पल को हाथ में लेते हैं तब हमें फील होता है, थोड़ा हमें उसका वेट लगता है. तो कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम. हमारा वेट किस में होता है चिल्ड्रन? किलोग्राम में या ग्राम में होता है हमारा वेट? आपका वेट कितना है? ह्यूमन बॉडी का वेट होता है किलोग्राम में. सो राइट हियर सर्कल करो 25 किलोग्राम पे. ठीक है, आपको इस वे में आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं. सी, बुक्स का वेट किस में होगा? 100 केजी मींस कितनी सारी बुक्स होती? इतनी बुक्स तो हम वेट को लिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे. सो बुक्स का ग्राम किस में होगा? बुक्स का वेट 500 ग्राम. कार का वेट किस में होता है? 1000 किलोग्राम. क्योंकि कार तो बहुत ईजी हैवी होती है, उसको हम एक हाथ से नहीं उठा सकते ना. सो कार का जो भी वजन होगा वो किस में होगा? किलोग्राम में. ब्रेड का किस में होगा? ब्रेड तो एकदम लाइट वेट होती है, वो होगा 20 ग्राम. राइट चिल्ड्रन, मास का मतलब होता है वेट. आपको अप्रोक्सीमेट मीन्स आपको अपने अंदाजे से पता करना है कि किसका कितना वेट हो सकता है. नाउ सी, टेक द अप्रोक्सीमेट मेजर. हमें क्या करना है? अप्रोक्सीमेट मेजर. यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा हो किसके लिए है? वो है लिक्विड्स के लिए. मिलीलीटर, लीटर, ये सब किसकी यूनिट से? लिक्विड को मेजर करने की. ठीक है, सो हमें यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का टिन दिया, वो कितना ml हो सकता है? वो कितना वेट, उसका क्या हो सकता है मेजरमेंट? 10
लीटर या 600 मिलीलीटर? देखो छोटा है, साइज कितनी छोटी है, तो वो किस में होगा? मिलीलीटर में। यहाँ पर बकेट है पानी की, वो किस में होगी? 5 ml या 6 लीटर? किस में होगी? 6 लीटर। क्यों? क्योंकि पानी का वेट ज्यादा होगा बकेट के साथ। फिर ये क्या है? ड्रॉप है, ओनली ड्रॉप है, तो ड्रॉप किस में होगी? 5 ml, क्योंकि एकदम छोटी बूंदे है। सो आपको इसी तरह से ये सब कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ हियर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम जब भी हमें लेंथ मेजर करनी होती है तब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। कैसे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आर यूनिट्स ऑफ अ लेंथ। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स है लेंथ मेजर करने के लिए। मिलीमीटर सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है मीटर, एंड मीटर के बाद आता है किलोमीटर। किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट। किलोमीटर क्या है? इज द बिगेस्ट यूनिट, एंड मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। समझ में आया? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। एंड सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी है? यूनिट्स ऑफ लेंथ। जब हमें कोई चीज की लेंथ या हाइट या डिस्टेंस ऐसा कुछ मेजर करना होता है तब ये सारे जो यूनिट्स है वो यूज होते हैं। ठीक है, किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट एंड मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? राइट, सी मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है mm, ठीक है। सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म वी ऑल नो cm, मीटर को हम लिखते हैं सिंपल स्मॉल m, एंड किलोमीटर को हम लिखते हैं स्मॉल में km। ओके, तो ये सब क्या है? उनके यूनिट्स, हम उनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अ स्केल, अ मीटर, रोड एंड मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर द डिफरेंट लेंथ्स। कौन सी चीजें यूज होती है लेंथ को मेजर करने के लिए? स्केल, हमारी ये स्केल। फिर रोड, रोड को अगर जब हम डिस्टेंस फाइंड करना हो तब, एंड मेजरिंग टेप, पता है हमारी एक मेजरिंग टेप होती है इसके जैसी। ये सब क्या कब यूज होती है? जब हमें डिफरेंट लेंथ्स को मेजर करना हो। राइट चिल्ड्रन? नाउ सी हियर, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग, ये ऐसी यूनिट्स है जो अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए यूज होती है। जब हम डिस्टेंस को मेजर करना हो, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक एरिया से दूसरे एरिया को मेजर करना हो, तब हम यूज करते हैं मीटर एंड किलोमीटर। राइट, जब हमें कोई बिल्डिंग की हाइट या कोई किसी चीज की भी हमें हाइट मेजर करनी हो तब हम यूज करते हैं सेंटीमीटर एंड मीटर। और जब हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो, लेंथ, तब हम यूज करते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। आर यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? राइट, नाउ सी हियर एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन ए, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यूज अ स्केल टू फाइंड देयर एक्चुअल लेंथ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है आपको? एस्टिमेटेड लेंथ मतलब आपको अंदाजा लगाना कि ये कितने सेंटीमीटर का हो सकता है। इसकी साइज छोटी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये है 2 सेंटीमीटर। राइट, अभी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ में क्या करना आपको? स्केल से मेजर करना है, तो हम यहाँ पे स्केल को लेके मेजर करते हैं। कितना आया? 1.5 सेंटीमीटर। सो राइट हियर 1.5 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। सो पहले आपको एस्टिमेटेड अपने आपको अंदाजा लगाना, उसके बाद आपको क्या करना है? स्केल से उसकी एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है। सी हियर, मैं इसकी लेंथ, ये मुझे लग रहा है 3 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन एक्चुअल लेंथ नहीं पता तो हम मेजर कर देते हैं। एक्चुअल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस। ओके, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। नाउ सेम क्या करना आपको? क्वेश्चन बी, यूज अ स्केल टू मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। क्या करना है चिल्ड्रन हमें? यूज अ स्केल टू मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स टू नियरेस्ट सेंटीमीटर एंड और 1.5। हमें क्या करना है चिल्ड्रन? यहाँ पे जितनी भी लाइंस दी है, ठीक है, उनको हमें क्या करना है? मेजर करना है, स्केल का यूज करके आपको मेजर करना है। कैसे मेजर करना पता है? राइट 1.1 हियर एंड अदर वन हियर, ठीक है। कितना दिख रहा हमें? 1 सेंटीमीटर। तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की हुई? 1 सेंटीमीटर। ये मैं ये वाली मेजर करी 4 नंबर की, कितने सेंटीमीटर की है? 0 to 3 सेंटीमीटर, तो राइट हियर 3, और ये है 4 सेंटीमीटर।
आपको इस तरह से आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में ही एक्सरसाइज करनी है। आपको पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसको क्या करना है, मेजर करना है, और फिर आपको उसके आंसर लिखने हैं। नाउ सी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। हमें जो भी जो जो मेजरमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, सी लाइक दिस। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया ड्रॉ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे, सी हियर, राइट 1 पॉइंट ऑन 0 और 0 to 4, ठीक है। सो ये क्या बन गए, लाइन सेगमेंट 0 to 4 के। ओके, तो आपको इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड वन इज 6 1 अपॉन n 2, ये हमने किया था। कैसे करना है हमें इसको सॉल्व, 2 6 12, 12 + 1 इज 13 / 2, 13 डिवाइड, अभी 13 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 2 6 12। सो कैसे करेंगे चिल्ड्रन हम इसको, क्या करना है आपको, आंसर क्या आएगा, 6.2 समथिंग आपको आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेट 6.2 जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, 0 एंड 6 के बाद 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो आपको इस वे में आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने। ओके चिल्ड्रन, राइट। नाउ सो हियर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।